क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 12 एक्सरसाइजेस हम सॉल्व कर रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमें बताना है व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है, हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए किसी भी स्टेट ऑफ वाटर के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, या फिर सॉलिड की बात करें तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो है इसमें वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो 25 डिग्री सेल्सियस है ये 100 से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ रहा है। 0 डिग्री होता तो ये सॉलिड स्टेट में होता, सॉलिड या लिक्विड, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस होता तो ये लिक्विड और गैसियस स्टेट में होता। ठीक है, अब क्योंकि ये टेम्परेचर जो है इनके बीच में कहीं लाई कर रहा है तो इसका मतलब एट दिस टेम्परेचर वाटर मस्ट बी एट लिक्विड स्टेट। ठीक है, वाटर जो है लिक्विड स्टेट में रहेगा। इसके बाद पार्ट बी जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, जिसमें वो सॉलिड बनना शुरू होता है, सॉलिड बनना शुरू होता है इसका मतलब ये इस स्टेट पर दोनों फॉर्म में मौजूद होगा, यानी ये लिक्विड भी होगा एंड सॉलिड स्टेट में भी होगा, यानी ये कन्वर्ट हो रहा होता है। एंड बिलो दिस टेम्परेचर, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर जाएगा तो वो पूरा का पूरा सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, फिर सी पार्ट है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर पानी क्या होता है, वो उबलना शुरू होता है, यानी ये गैसेस स्टेट में जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इसके आगे की अगर हम बात करें, इससे टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी आगे जाएगा तो हम कह देंगे वो जो स्टेट है पानी का वो पूरा का पूरा गैसेस स्टेट में होगा। अब क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, इस वजह से ये दोनों स्टेट में रहेगा जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट पर होता है। इन बोथ स्टेट, दैट इज, यानी ये लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। ठीक है,